सीजीएन यो वाचिंग मार्केट और जॉब हेल्पफुल फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं लेके हाजिर हूँ एक और फ्री जॉब। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगा कि आप भी वीडियो के एंड तक बने रहेंगे ताकि कोई भी आपके माइंड में, आपके दिमाग में काम के रिलेटेड में, इस जॉब के रिलेटेड में कुछ भी डाउट नहीं हो। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास वाले घंटे को भी दबा लो यार, ताकि नई नई जॉब की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे, न कि आप पुराने वीडियो देख के आप फ़ोन करें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो फ्रेंड्स, आज का ये जॉब होने वाला है वो हेल्पर कैटेगरी में होने वाला है। काफ़ी टाइम से कॉल और मैसेज ऐसे आता है कि सर आपके पास जो है एक होटल कैटेगरी का ही आ रहा है, काफ़ी एक डेढ़ दो महीने से। तो ये जॉब उन लोगों के लिए है जो होटल का काम नहीं करना चाहते हैं, जो किचन स्टाफ का काम नहीं करना चाहते हैं, ये जॉब उन लोगों के लिए है। जॉब होने वाली है लोडिंग अनलोडिंग की, बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही इंटरनेशनल कंपनी में, डीटीडीसी कुरियर कंपनी में आपको जॉब मिलने वाली है, काम मिलने वाला है। काम कौन सा होने वाला है? लोडिंग अनलोडिंग का। तो एक बार और आप वीडियो को पूरा देखें फ्रेंड्स, जब तक आप वीडियो को एंड से स्किप करते जाएंगे तो उसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें छूट जाती है। उससे क्या रहता है कि फिर आप जब फ़ोन करते हैं तो अगेन आपको एक्सप्लेन अच्छे से करना पड़ता है। काफ़ी टाइम ऐसा रहता है कि एक दो वीडियो जो है मेंशन करके लोग पूछ लेते हैं, लड़के लोग पूछते हैं कि सर इस वीडियो का जो है हम लोगों ने जो है सैलरी और टाइमिंग देखा था। तो वो क्या करते हैं कि दो वीडियो को मिक्स करके जो है पूछते हैं। इसीलिए बोलता हूँ कि कभी भी जो वीडियो को स्किप नहीं करें। अगर आप जाना चाहते हैं, आउट होना चाहते हैं, वीडियो आपको पसंद नहीं है तो आप अभी ही जा सकते हैं, वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, किसी से कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है यार। अगर आपको काम चाहिए, अगर आपको जेन्युइन जॉब चाहिए, अगर आपको फ्री काम चाहिए, फ्री जॉब चाहिए, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, लोडिंग अनलोडिंग की आप लोगों के लिए आज का ये जॉब टाइमिंग होने वाला है, इसमें सुबह 8 बजे से लगाकर रात के 8 बजे तक, या फिर सुबह 9 बजे से लगाकर रात के 9 बजे तक सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट होने वाली है इसमें 18 साल मिनिमम, 18 साल से कम नहीं। काफ़ी टाइम जो है, कुछ बंदे ऐसे भी रहते हैं जो 16 साल के रहते हैं, 15 साल के रहते हैं कि सर मेरे घर में जो है हालत बहुत ख़राब है, हम लोगों का जो है कहीं पे काम मिल नहीं रहा है, प्लीज़ सर हेल्प कीजिए, सर हम लोग गरीब हैं, ये वो जो भी हैं। देखिए गाइस, की सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, और ख़ासकर काम की और जॉब की तो हर घर में एक रहती प्रॉब्लम। तो उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स, अगर आप 16 और 15 साल के हैं तो आप अपने ही गांव में काम कीजिए साल दो साल, जब तक आप 18 के नहीं हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं काम के लिए, तो उसमें मिनिमम एज आपको 18 साल रिक्वायरमेंट रहती है। नहीं तो क्या रहता है कि आपको जब पॉलिश वेरिफिकेशन होता है कंपनी के थ्रू, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पे आपको फंस जाते हैं, वहाँ पे कंपनी भी वहाँ पे कुछ रिस्पांस नहीं दे पाती। अगर कल हो के कुछ और एक्स्ट्रा कुछ दुर्घटना हो जाए, या फिर भगवान ना कर कुछ ऐसा हो जाए, उस समय आप भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, कंपनी भी प्रॉब्लम में आ जाती है। तो 16-17 साल वाले कभी भी फ़ोन नहीं करें। तो इसमें जो है मिनिमम 18 साल होने वाली है, और मैक्सिमम इस लिमिट की बात करो तो आप 35 के 40 के हैं तो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज कोई भी चलेगी, चाहे आप लोकल के हैं या फिर चाहे आप आउट ऑफ स्टेशन के हैं तो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज का ऐसा कुछ भी नहीं है कि यार उसको जो है कन्नड़ा ही आना चाहिए, या फिर जो है उसको तेलुगु या तमिल ही आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक मान के चलिए हिंदी तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत आना चाहिए। काफ़ी सारे ऐसे बंदे भी आते हैं जिसको जो है हिंदी भी नहीं आती है, इंग्लिश तमिल या फिर इंग्लिश तेलुगु। तो अगर इंग्लिश आ जाए तो वो भी काफ़ी है, या फिर हिंदी भी आना चाहिए तो वो भी काफ़ी है। तो हिंदी एक मान के चलिए, हिंदी इंग्लिश तो कम से कम एटलीस्ट थोड़ा बहुत आना चाहिए। इसके अलावा क्वालिफिकेशन में अनपढ़ से अनपढ़, चाहे वो दूसरी क्लास पास हो या पाँचवीं क्लास फेल हो,
इसमें एजुकेशन का कोई भी क्राइटेरिया नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि जो आप ग्रेजुएशन वाले, ऐसा नहीं कि 10वीं पास वाले ही चाहिए, आप अनपढ़ हैं तो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करूं तो सैलरी इसमें होने वाली है, स्टार्टिंग आप जब ज्वाइन होते हैं उस समय की सैलरी 13,000 रुपया, ये सैलरी 13,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी। आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने आप काम करते हैं कंटिन्यूसली इस जॉब में, तो आपकी सैलरी 13,500, और आप और 2 महीना कंटिन्यू काम करते हैं तो आपकी सैलरी 14,000, 14,000। तो 4 महीने तक 13,000, आफ्टर 4 मंथ्स के बाद में, 4 महीने के बाद में 13,500, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद में 14,000 प्लस ESIPF। ESIPF का अमाउंट 1,200 से 1,300 रुपये मान के चलिए, तो 6 महीने के बाद में आपकी सैलरी हो जाती है 15,000 के लगभग, जो फैक्ट है, जो सही है और जो जेन्युइन है और जो आपके अकाउंट में आती है। इसमें फेक कुछ नहीं है। काफी सारी कंपनियां जो है रियल सैलरी नहीं बताती है आपको, जो जनवन सैलरी कंपनी की थ्रू मिलती है वो सैलरी कभी भी नहीं बताती है आपको। CTC सैलरी बताएगी, जो सब कुछ इंक्लूड सैलरी रहेगी वो बताएगी, जिसका लाभ आप 6 महीने के बाद में देखेंगे, या फिर जो लाभ आपको मिलेगा, आज आपको मिलेगा, वो उसमें काट के नहीं बताते हैं, वो पूरी सैलरी बताते हैं आपको। जब आप 1 महीना काम करते हैं तब आप में से जो है सैलरी में से 2,000 3,000 काट लेके आपका उतना ही सैलरी दिया जाता है, 13,000 14,000 12,000 उतना ही दिया जाता है। इसका काट लिया, उसका काट लिया, पता नहीं क्या क्या जो है डिडक्शन कर से आपको उतनी ही सैलरी प्रोवाइड कर दी जाती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि डायरेक्ट आपको रास्ता बता दिया जाता है, डायरेक्ट सैलरी दिखाई जाती है। इसमें चाहे कैंडिडेट्स बंदा आए या ना आए वो आप लोगों की मर्जी। और वैसे एक बात बता दो कि जिसको काम की जरूरत रहती है ना वो बंदा आता है, काम करता है, जेन्युइन तरीके से काम करता है और जेन्युइन तरीके से सैलरी लेता है। और काफी सारी कंपनियां और एजेंसी ऐसी रहती है जो घुमा फिरा के आपको बताएगी, सैलरी एग्जैक्ट नहीं बताएगी, घुमा फिरा के बताएगी, 14,000 15,000 16,000 इतनी सैलरी बताएगी कि आप जो है ना बोलेंगे कि अरे कितनी अच्छी सैलरी दे रही है वो कंपनी। लेकिन जब महीने के एंड में पता चलता है कि क्या क्या काट लिया आपका सैलरी में से। इसके अलावा कंपनी की तरफ से रूम की फैसिलिटी फ्री है, बिल्कुल भी फ्री है, दूसरी कंपनियों की तरह नहीं है, दूसरी एजेंसी की तरह नहीं है जो पता नहीं क्या क्या दावा करती रहती है, हम लोगों ने ये किया, हमारी कंपनी वो है, हम लोगों ने इतने आदमियों को जो है लगवाया। एनीवे बहुत सारी ऐसी कंपनियां रहती है, आप तो सब जानते ही हैं क्या, एक ब्रांड के नाम पे बहुत सारी ऐसी कंपनी रहती है, वो आप सब देखते रहते हैं, आपसे क्या छुपाया। तो यहाँ पे आपको रूम की फैसिलिटी फ्री देखने को रहती है, फ्री देखने को मिलती है। अब रूम से भी मुझे एक बात याद आती है कि काफी ऐसी एजेंसी और कंपनियां रहती हैं आपको 15,000 16,000 बता के आपको बोलेगी कि 3,000 रूम का लेंगे, 4,000 रूम का लेंगे, पीजी में रहिए, पीजी का रेंट आप ही भरिए, पता नहीं क्या क्या। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक ही बात आपसे बोलूंगा कि हमारी कंपनी जो है आपको एक्सेप्ट आईना की तरह साफ दिखाती है। हाँ, इसमें ये मैं मानता हूं कि काफी सारे बंदे जो है ये मतलब कहने का मतलब जो सच रहता है ना वो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। तो काफी सारे बंदे ऐसे रहते हैं कि सर इतना ही सैलरी मिलता है क्या, सर XYZ कंपनी में हमको, XYZ एजेंसी में हमको इतना फैसिलिटी मिलता है, उतना मिलता है, पता नहीं ऐसे रहते हैं बंदे, क्योंकि उनको जो है बात घुमा फिरा के जो है बता दी जाती है। और हमारी कंपनी में डायरेक्ट आपको जो है आईना की तरह साफ क्लियर दिखाया जाता है, तो उसमें जो इंटरेस्टेड कम रहते हैं बंदे। यानी वे काम बता ना कि जो जिसको काम की जरूरत रहती है वो आता है काम करता है। रूम की फैसिलिटी इसमें फ्री रहेगी, बिना किसी चार्जिंग का, आपसे रूम के नाम पे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा आप अगर कंटिन्यू काम करते हैं 1 साल तक तो इसमें आपको सुपरवाइजर की पोस्ट भी देखने को मिलती है, लेकिन वो बंदा 1 साल तक कंटिन्यू काम करना चाहिए, 1 साल तक कंटिन्यू इस जॉब में काम करना चाहिए। सुपरवाइजर की सैलरी मान के चलिए 18 से चालू होती है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो गाइस बहुत ही अच्छी जॉब हेल्पर कैटेगरी में लोडिंग अनलोडिंग का आप लोगों के लिए।
सैलरी मैंने आपको बता दी, एकदम फैक्ट है। इसके अलावा ये जो फ्री है, आपका ज्वाइनिंग फॉर्म के नाम पे, आपका एक ज्वाइन के नाम पे, आपका एक इंटरव्यू के नाम पे, मतलब कहने का मतलब है कि आपका पैसे के नाम पे, कि वर्क एट आवर आपको एक भी रुपए नहीं मांगता है। आप जो 3,000, 4,000, 2,000, 100, 200, 300, जितना भी आप पेमेंट दूसरी जगह देते हैं, वो पेमेंट आप अपने पॉकेट में अपने पर्सनल खर्चे के लिए रख के आप यहाँ कॉल कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पे आके ज्वाइन हो सकते हैं। और हमेशा की तरह ये जो जेन्युइन रहती है, फेक कुछ भी नहीं रहता है, जहाँ दूसरी कंपनी, दूसरी एजेंसी दिखाती है और बताती है। तो गाइस कुछ भी कमेंट्स है तो कमेंट्स जरूर करें, कुछ भी डाउट रहते हैं तो डाउट क्लियर करने के लिए हम लोगों को कॉल जरूर करें। जॉब अप्लाई के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल करें। टाइमिंग सुबह 10 बजे से लगाकर शाम के 5 से 6 बजे लास्ट। सैटरडे संडे नो एनी कॉल, सैटरडे संडे आप कॉल नहीं करें। सैटरडे संडे आप व्हाट्सएप के थ्रू हम लोगों से जुड़ सकते हैं, चैट कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे ऐसे बंदे मेरे भाई लोग भी रहते हैं जो सैटरडे संडे फ़ोन कर देते हैं, डिसअप करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको जो है फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं या फिर हम लोग उनका जो रिस्पांस नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे बंदे भी रहते हैं जिनको सैटरडे और संडे टाइम नहीं मिलता है, जो ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे होते हैं, वो लोग बंदे जो है सैटरडे और संडे फ़ोन करते हैं और उनको अच्छे से 100% रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये जॉब आप लोगों के लिए है, इमिडिएट ज्वाइनिंग है। आज आप आते हैं तो आज आपको शाम तक काम मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आपको बिठा के रखते हैं, ऐसा नहीं कि आपको रूम पे 1-2 दिन जो है काम नहीं है, ज्वाइनिंग चल रहा है, इंटरव्यू के लिए भेजेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज आएंगे, आज आपको काम मिलेगा इस जॉब में आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपको तहे दिल से एक बार और